नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुक्र गोचर परिवर्तन कर रहे हैं, मेष राशि में शुक्र चार है, तो अब आने वाला समय कैसा रहेगा देखेंगे, समझेंगे, बात करेंगे। शुक्र यहाँ से निकल के यहाँ पर आ रहे हैं, पहले यहाँ पर शुक्र थे लेकिन राहु के साथ थे, अब यहाँ पे शुक्र अच्छे हो जाएंगे, मतलब सप्तम घर और बारहवां घर। तो वृश्चिक राशि वाले, आपने इस बात को गौर किया होगा, 25 अप्रैल से एक महीना पहले, 25 अप्रैल से एक महीना पहले आपका सप्तम घर डिस्टर्ब था, मतलब मैरिज लाइफ, मैरिज को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके बहुत चीजें अच्छी नहीं, जितना उम्मीद था उतना अच्छा नहीं चला होगा। रिश्ते आपके बनते बनते टूट गए होंगे या मन चाहा आपको रिश्ता नहीं मिल पाया होगा, और मैरिज लाइफ में भी जितना मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब संतोष आप मैरिज लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन सब चीज़ों को लेके आप मतलब आपको लगा होगा कि संतोष नहीं मिला होगा आपको। और बारहवें घर है, मतलब खर्चा भी आपको बहुत ज़्यादा हो गया होगा, मतलब कि समझिए कि चूँकि राहु का प्रभाव है, उच्च के शुक्र है, तो खर्चा देखिए दो तरह है। एक तो खर्चा मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचे कि चलो पैसा बच जाएगा, लेकिन फिर भी खर्चा हो गया, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन आपको नहीं रहा, ये नहीं बोलो बहुत खर्चा हुआ, लेकिन जो आप बचाने जितना बचाने का सोच रहे थे उतना नहीं बच पाया, जो पैसा आप सेव करने का सोच रहे थे उतना पैसा आपका सेव नहीं हो पाया, और लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी, मतलब मेन मिला जुला ये है कि जितना पैसा बचाना चाहे वो नहीं बच पाया, और जितना लोगों से संबंध को आप बचाना चाहे, जितना किसी से उम्मीद किए थे कि संबंध अच्छा चल जाए, बॉस से आप सीनियर से अच्छे से बन पाए, लेकिन उतना अच्छे संबंध नहीं चल पाया। बहुत बुरा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये है जितना था जितना आपको उम्मीद था वैसा तो नहीं हुआ होगा, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। खर्चा को लेके सीनियर से लेके बात विवाद को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, मैरिज लाइफ को लेके, इन सब चीजों को लेकर इस तरह का डिस्टर्बेंस, इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ हुआ होगा, सेटिस्फाइड आप नहीं रहे हो। अब वही शुक्र की स्थिति अच्छी हो रही है, तो अब पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ अच्छा होगा, जैसा आप सोचते हो वैसे चीजें हो पाएंगी, लव लाइफ भी अच्छा जाएगा, पर्सनल लाइफ भी अच्छा जाएगा, मैरिज लाइफ भी अच्छा जाएगा, हो सकता है कि रिश्ते भी आपके मैरिज के पक्के हो सके, और जो अभी तक आप खर्चा हो रहा था जो बचा नहीं पाए, अब आप पैसा बचा पाओगे, अब आपके फालतू खर्चे आपके नहीं होंगे, सीनियर से जो बात था सीनियर से भी बात विवाद अब आपका समाप्त होगा, उनके साथ भी आपका अच्छा बन जाएगा। और अगर आपके कुंडली में मतलब आपके कुंडली में शुक्र अगर 12 नंबर में हो, 2 नंबर में हो, 8 नंबर में हो, 1 नंबर में हो, 7 नंबर में हो, तो निश्चित तौर से अच्छा संकेत है कि आपके साथ पॉजिटिव होगा, अच्छा आपके साथ होगा। बाकी आपके कुंडली में कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हो, कुंडली देखने के बाद ही मालूम चलेगा। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कुंडली दिखवाना, कुछ चार्जेस पे कुंडली दिखवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक और सब्सक्राइब कर, जय हिंद, जय भारत।